नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कार हेल्थ एक्सपर्ट में। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है मारुति की विटारा ब्रेजा। जैसे कि आप जानते हैं कि विटारा ब्रेजा जो है वो डीजल में आया करती थी, डीजल में ही आती थी पहले। तो आप जब भी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, आपको पता है कि तीन बेसिक चीज़ें गाड़ी की जो सर्विस में चेंज होती है, वो होती हैं आपका इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर। ये बेसिक सर्विस जब गाड़ी की होती है तो ये तीन चीज़ें गाड़ी की चेंज होती ही होती हैं। लेकिन आपको डीजल गाड़ियों में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब भी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, बेसिक सर्विस कराते हैं, तब भी आपको गाड़ी का डीजल फिल्टर भी चेंज करना है। हमेशा डीजल फिल्टर भी चेंज करना है। इससे ये होता है कि आपके डीजल में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ये फ़िल्टर कर देता है, और आपके FIP पंप जो फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है और आपके इंजेक्टर्स होता है, उनमें इम्प्योरिटीज़ जाने से बचती हैं और उनकी लाइफ बढ़ती है दोस्तों। उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म वो चलते हैं दोस्तों, क्योंकि वो महंगी आइटम होती है तो उसका लॉन्ग टर्म चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप जब भी आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं तो बेसिक सर्विस कराते हैं, अगर तो नॉर्मल बेसिक सर्विस, तो इन तीन चीज़ों के साथ यानी इंजन ऑयल, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल फिल्टर के अलावा आप डीजल फिल्टर भी चेंज करिए। और डीजल फिल्टर में हमेशा ध्यान रखिए कि डीजल फिल्टर जब भी आप डालें, हमेशा जेन्युइन ओरिजिनल डीजल फिल्टर ही डालें। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कि मारुति की विटारा ब्रेजा है, इसके लिए हम मारुति का ओरिजिनल डीजल फिल्टर लेके आए हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी गाड़ी को बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।